Is it necessary to master every language or basics of every language and do some projects? No, it's not. So the thing is, how you have to do it, you have to choose one language, master it, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं. सो यू हैव टू चूज वन लैंग्वेज, मास्टर इट, एंड जब भी तुम जॉब करोगे तो तुम एक ही लैंग्वेज के ऊपर मोस्टली काम करते हो. बहुत रेयर होता है कि तुम एक से दूसरे में स्विच मारो, बट इन दैट केस ऑल्सो इफ यू मास्टर्ड वन प्रॉपरली, इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट लैंग्वेज, यू कांट नो एवरीथिंग. बट इफ यू रीच दैट लेवल कि तुम दूसरी लैंग्वेज से जंप कर सकते हो, बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तब तुम दूसरी लैंग्वेज से जंप कर सकते हो. ठीक है, तो इसलिए तुम्हें हर लैंग्वेज मास्टर करने की जरूरत नहीं है. एक पकड़ो, ठीक है, और उसको ढंग से करो, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसमें डीप जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, उसी में जॉब करो. जब तक तुम्हारी कंपनी की रिक्वायरमेंट या ट्रेंड की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, दूसरी पर जंप मत करो. ठीक है, तो एक से दूसरी लैंग्वेज जंप करने से कभी सैलरी नहीं बढ़ती, अनलेस अनटिल कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस अनटिल वो ट्रेंड में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैं PHP से स्टार्ट किया था, बाद में मर्न में कूदा क्योंकि वो ट्रेंड में थी, दैट्स व्हाई. ठीक है, उसके बाद डेवॉप्स किया, वो एक स्किल एड ऑन कर देती है. ठीक है, वो स्किल एड ऑन कर देती है. इट्स नॉट लाइक कि मैंने मर्न कर लिया, फिर स्प्रिंग बूट में बैकएंड कर रहा हूं, फिर पाइथन में बैकएंड कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला उससे. सो एक चीज पकड़ो, उसको ढंग से करते रहो. जब तक ट्रेंड और कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें आगे कूदने की जरूरत नहीं है दूसरी लैंग्वेज में. अपग्रेड करने के लिए, जैसे डेवॉप्स कर लिया, ठीक है, या फिर करियर स्विच कर रहे हो, ML में जा रहे हो, वो सब कर सकते हो. बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट ऑल्सो. एक को ढंग से करो, उसमें अच्छे सैलरी लो, पैसे लो, फिर उसके बाद सोचो अगर कभी अपग्रेड करना तो. बट टू स्टार्ट विद यही करो, एंड ऑल्सो इट.